नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत जिग्नेश मेवानी से। जी हां, जिग्नेश मेवानी को कोर्ट से आखिरकार जमानत मिल ही गई, लेकिन कोर्ट से जमानत मिलने के बाद लगातार जिग्नेश मेवानी को जिस तरह फंसाया गया उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर सामने आई है कि कोर्ट ने सीधे तौर पर असम सरकार को बड़ी फटकार लगाई है। दरअसल जिग्नेश मेवानी पर जिस तरह के आरोप लगाए गए वो आरोप पूरी तरह सिद्ध नहीं हो पाए। ऐसे में देखा जा रहा है कोर्ट ने सीधे तौर पर पुलिस को फटकार लगाते हुए, असम सरकार को फटकार लगाते हुए ये बताया कि आइंदा से अगर किसी को भी गिरफ्तार किया जाता है तो उसके खिलाफ पूरे सबूत होने चाहिए। तो ये माना जा रहा है कि जिग्नेश मेवानी को जानबूझकर फंसाया गया, और जिस तरह से जिग्नेश मेवानी को जमानत मिल गई थी उसके बाद दोबारा उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो कहीं ना कहीं असम की पुलिस जानबूझकर जिग्नेश मेवानी को परेशान कर रही थी। जानबूझकर उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ऐसे में देखिए जिग्नेश मेवानी की तरफ से बड़ा खुलासा हुआ है। जिग्नेश मेवानी की तरफ से बड़ा खुलासा यह हुआ है कि असम की सरकार ने जानबूझकर उन्हें यहां फंसाने की कोशिश की ताकि गुजरात चुनाव में बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी को और मजबूत कर सके। दरअसल ये देखा जा रहा है बीजेपी चुनाव जीतने के लिए जिस तरह मौजूदा समय के हालात देखने को मिल रहे हैं, बीजेपी जो है वो गुजरात चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद का हर तरीका अपना रही है। और कहीं ना कहीं मौजूदा समय की स्थिति, मौजूदा समय के हालात वो ये सीधे तौर पर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में बड़ा जो नुकसान है वो उठाना पड़ सकता है। जी हाँ, किसको? बीजेपी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह जिग्नेश मेवानी को गिरफ्तार किया गया उससे दलित समुदाय के लोग सीधे तौर पर बीजेपी से नाराज दिखते नजर आ रहे हैं। जहां इसका बड़ा फर्क जो है गुजरात में बीजेपी के वोट बैंक पर पड़ता नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर जिस तरह के हालात हैं, मौजूदा समय के अंदर जिस तरह की स्थिति है, वो ये साफ तौर पर इशारा कर रही है कि कांग्रेस पार्टी का लगातार जो प्रेशर बन रहा था और जिस तरह पार्टी का समर्थन देखने को मिला था, तो कहीं ना कहीं जिग्नेश मेवानी को कांग्रेस पार्टी का बड़ा समर्थन मिलने की वजह से जिग्नेश मेवानी को बड़ा फायदा हुआ और उन्हें जमानत मिल गई। तो यहां पर मोदी सरकार का, असम सरकार का बड़ा असली चेहरा वो सामने आ गया। लोकतंत्र में अब हत्या जो है वो होती नजर आ रही है। लोकतंत्र में लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है, लोकतंत्र में लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है। और सीधे तौर पर यह भी माना जा रहा है कि अगर जो भी सरकार के खिलाफ बात करता है या सरकार के खिलाफ बात करेगा उसके खिलाफ जो सरकार कदम उठाएगी उसका भुगतान जनता को करना पड़ेगा। यानी कि देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को बात करनी चाहिए, लेकिन उन मुद्दों से जिस तरह सरकार पीछा छुड़ा रही है इसका सीधे तौर पर मतलब यही माना जा रहा है कि वाकई आने वाले समय में जो बड़ा नुकसान है वो कांग्रेस पार्टी को जरूर जो है वो उठाना पड़ सकता, बीजेपी को जरूर उठाना पड़ सकता है। हालांकि जिग्नेश मेवानी को जो है वो एक आध दो दिन में वो पूरी तरह से बेल पर बाहर आ जाएंगे, और माना जा रहा है कि कुछ खबरें सूत्रों से जानकारी मिली है कि जिग्नेश मेवानी ने सीधे तौर पर असम सरकार पर आरोप लगाया है। सीधे तौर पर उन्होंने मोदी सरकार को घेरा और उन्हें ये बताया कि वो जानबूझकर तानाशाही रवैया अपना रहे थे। कोर्ट की तरफ से जिस तरह असम पुलिस को फटकार मिली है, असम के मुख्यमंत्री को फटकार मिली है, इसका मतलब है कि जिग्नेश मेवानी को क्लीन चिट दे दी गई है। और जिग्नेश मेवानी पर जो आरोप लगाए थे और जिस तरह से उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था, दरअसल वो चीजें ऐसी नहीं थी। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मौजूदा समय के अंदर की जो स्थिति है वो बहुत बड़े हद तक अब अलग होती नजर आ रही है, और कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी पड़ता नजर आ रहा है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।